इस वीडियो में हम रिव्यू टैब के बारे में जानेंगे कि रिव्यू टैब में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम रिव्यू टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पहला ग्रुप प्रूफिंग का ग्रुप आएगा। ये इसमें हमारे पास ये तीन कमांडें, पहली स्पेलिंग एंड ग्रामर, दूसरी थीसार्स और थर्ड ये हमारे पास वर्ड काउंट है। तो पहले सबसे पहले हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को जानते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का एमएस वर्ल्ड में क्या मतलब है। मान लीजिए हमने एमएस वर्ल्ड की सहायता से कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और अब हम ये देखना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं कर दी है या ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए एमएस वर्ल्ड स्पेलिंग की सुविधा देता है, जिससे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एरर या ग्रामर एरर चेक कर सकते हैं। अगर ये हम कीबोर्ड के जरिए करना चाहते हैं तो हमने फंक्शन की F7 प्रेस करनी है। तो F7 प्रेस करने पर ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन खुल जाएगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जब किसी वर्ड के नीचे रेड अंडरलाइन आती है तो उसको स्पेलिंग एरर बोला जाता है, और किसी वाक्य के नीचे ग्रीन लाइन आ जाए तो उसको ग्रामर एरर कहते हैं। एमएस ऑफिस 2013 के पहले ऑफिस में ग्रामर एरर के लिए ग्रीन अंडरलाइन आती थी, लेकिन अब ऑफिस 2010 के बाद ग्रामर एरर के लिए ब्लू अंडरलाइन आती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। जैसे हमने दूसरे पेज पे कुछ लिख के रखा हुआ है, ये देखो हमारा दूसरा पेज है, ये यहाँ पे हमने ये कुछ लिखा हुआ है। तो ये जहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, जहाँ पे रेड अंडरलाइन आ रही है ये, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने ये गलत लिखा हुआ है। तो जहाँ पे रेड अंडरलाइन नहीं है तो कंप्यूटर ये समझ रहा है कि ये बिल्कुल सही है। तो जहाँ जहाँ पे रेड अंडरलाइन आ रही है, इट मीन्स यहाँ पे हमने इसकी स्पेलिंग वगैरह गलत लिखी हुई है। ये देखो नीचे ब्लू अंडरलाइन आ रही है, ये शो कर रही है कि हमने यहाँ पे ग्रामर की एरर की हुई है। तो अब हम अगर इसको ठीक करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर आगे इसके ये देखो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये हमें सजेशन देगा कि इनमें से कोई स्पेलिंग तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई स्पेलिंग है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो इसके बाद आगे इग्नोर आर, ऐड टू डिक्शनरी, तो ये हमारे पास ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ पे। तो एक तो ये है, राइट क्लिक करके हम वर्ल्ड के ऊपर ये हमारे पास सजेशन आ जाते हैं। अगर ये मेथड से हमने नहीं करना है ये इसको सही, तो दूसरा मेथड हमारे पास यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये यहाँ पे ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें अब ये हमारा जो ये वर्ल्ड सिलेक्ट है, इस वर्ल्ड के यहाँ पे सजेशन आ रहे हैं कि ये जो वर्ड है ये हमने गलत लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा सही है। हम जो सही है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ये देखो पहला हमारा यहाँ पे सही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये स्पेलिंग सही हो गई ऑटो। तो ये सही होने के बाद रेड अंडरलाइन हट जाएगी। अगला वर्ड है हमारे पास और, अगर हम चाहते हैं कि ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है ये ऐसे ही रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर वंस यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो इग्नोर वंस यहाँ पे क्लिक करने पे ये स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, ये वैसी ही रहेगी। अगला है हमारे पास हाइपोर। अगर हम चाहते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे ये हाइपोर लिखा हुआ है ये सारा अंडरलाइन हट जाए और ऐसे का ऐसे ही रहिए, तो हम क्या करेंगे,
इग्नोर ऑल पे, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये नीचे का भी यहाँ पे हट गई अंडरलाइन, यहाँ की भी हट गई और यहाँ की भी अंडरलाइन हट गई। तो इग्नोर ऑल पे क्लिक करते ही जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट में ये आईपोर लिखा था ये सारा ही सभी की अंडरलाइन हट जाएगी। इसके बाद है अगला है हमारे पास ये आंसर। तो आंसर का ये हमारे पास ये आ रहा है ये, तो आंसर अगर आंसर ये चेंज सही करना है ये, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे पास सजेशन है ये ANSWER ये है, ये अगला है, ये कौन सा ऑप्शन लेना है। जैसे पहला लेना है ये, पहला क्लिक करके अगर आंसर हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत जगह लिखा हुआ है तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं इसमें इस आंसर में, तो हम चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे। ये देखो चेंज ऑल पे क्लिक करते ही ये जो है सभी जगह ये आंसर ये स्पेलिंग हो जाएगी, तो इसकी भी रेड अंडरलाइन यहाँ से हट गई। आ गया सोहन, अगर हम चाहते हैं कि सोहन जो है इसमें रेड अंडरलाइन आ रही है, इसमें क्या है ये सोहन जो है इसमें रेड अंडरलाइन ना आए तो ये डिक्शनरी में ऐड हो जाए। ये सोहन जो है इसलिए रेड अंडरलाइन में आ रहा है क्योंकि ये कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि दोबारा जब हम सोहन लिखें तो ये रेड अंडरलाइन ना आए, तो हम क्या करेंगे सोहन को, ये सोहन सेलेक्ट किया ये, इसको ऐड कर देंगे कंप्यूटर की डिक्शनरी में। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ये देखो तो ये कंप्यूटर की डिक्शनरी में सोहन ऐड हो गया। तो ऐड होने के बाद ये देखो जब हम दोबारा सोहन लिखेंगे तो ये कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड हो गया, अब रेड अंडरलाइन नहीं आएगी। ये जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ये सोहन लिखा और स्पेस, ये देखो अब यहाँ पे रेड अंडरलाइन नहीं आएगी। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ पे अब हम दोबारा सोहन लिखेंगे वहाँ पे रेड अंडरलाइन नहीं आएगी, इसीलिए ये क्योंकि ये हमारी कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड हो गया है। तो अगर हमने ये ऐड कर दिया है बाद में हमने इसको हटाना है तो हम इसको हटा भी सकते हैं ये, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद हम क्या करेंगे ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ पे हमारे पास ये खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स, इसमें प्रूफिंग में यहाँ पे जाएंगे हम। प्रूफिंग में जाने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कस्टम डिक्शनरी यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ये यहाँ पे चेक मार्क है ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एडिट वर्ल्ड लिस्ट यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये जो है कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड हो गया सोन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे इसको डिलीट कर देंगे। ये देखो यहाँ से कंप्यूटर की डिक्शनरी से यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद करेंगे यहाँ से हमने इसको बंद किया। अब देखो जब हम सोन लिखेंगे उसके बाद रेड अंडरलाइन शो हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे नीचे लिखा ही है सोहन। ये देखो ये लिखते ही अब हमारे पास ये रेड अंडरलाइन आ जाएगी। तो इस प्रकार ये रेड अंडरलाइन जो है हम हटा भी सकते हैं, और इसको अगर कंप्यूटर की डिक्शनरी में अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दी तो ये रेड अंडरलाइन नहीं आएगी, अगर ऐड नहीं है तो ये रेड अंडरलाइन आएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आई डज नॉट राइट, तो डज नॉट राइट डज के नीचे ये ब्लू अंडरलाइन आ रही है, तो ब्लू अंडरलाइन आ रही है तो ये क्या शो कर रही है कि यहाँ पे हमने ग्रामर एरर की हुई है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसकी जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे हम इसके बीच में क्लिक करेंगे डज के, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये ऑप्शन शो करेगा डू, तो यहाँ पे डू पे क्लिक करेंगे हम और चेंज पे क्लिक करेंगे। ये देखो आई डू नॉट राइट ये अब सही हो गया, और सही होने के बाद ये जो ब्लू अंडरलाइन यहाँ पे आई थी ये हट जाएगी। तो इस प्रकार हम ग्रामर एरर को सही कर सकते हैं।
ये रेड अंडरलाइन और ब्लू अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि अब जो भी हम लिखें, चाहे स्पेलिंग गलत लिखें या ग्रामर कोई एरर हो, तो ये हमारे पास रेड अंडरलाइन और ये ब्लू अंडरलाइन ये ना शो करे। तो इसको करने के लिए हम ये सेटिंग करेंगे, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफिंग पे जाएंगे, यहाँ पे हम ये चेक ये हटा देंगे, यहाँ से चेक स्पेलिंग एज यू टाइप ये हटा दिया, अगला है मार्क ग्रामर एरर एज यू टाइप ये भी यहाँ से हटा दिया। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो हमारे पास ये ब्लू अंडरलाइन ये भी हट गई, और जहाँ पे हमारी रेड अंडरलाइन यहाँ पे थी रेड अंडरलाइन, तो ये भी यहाँ से हट गई। तो ये इसके बाद जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने लिखा ये, कुछ भी यहाँ पे लिखा ये, तो यहाँ पे रेड अंडरलाइन नहीं आएगी, देखो रेड अंडरलाइन ये नहीं आएगी। तो इस प्रकार हम इसको सेटिंग को, ग्रामर स्पेलिंग एंड ग्रामर की सेटिंग को हटा भी सकते हैं। ये अगर ये दोबारा स्टार्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, उसके बाद इसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन पे जाने के बाद प्रूफिंग यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से हम दोबारा ये चेक कर देंगे, ये चेक स्पेलिंग एज यू टाइप और यहाँ पे मार्क ग्रामर एरर एज यू टाइप यहाँ पे कर देंगे। ये करने के बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो हमारे पास जहाँ जहाँ पे ये हमने गलत लिखा हुआ है वहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगी, और जो हमने ये हमारी ये जो है ये ग्रामर मिस्टेक वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार हम ये स्टार्ट भी कर सकते हैं ये, और स्पेलिंग एंड ग्रामर को हम बंद भी कर सकते हैं। अगला है हमारे पास थिसार्स। तो थिसार्स एमएस वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा शब्द का भंडार है, जहाँ हम किसी भी सिनोनिम वर्ड पा सकते हैं, या जिनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। थिसार्स को हम कीबोर्ड की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 के द्वारा भी ओपन कर सकते हैं ये। तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम थिसार्स पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑटो, यहाँ पे हमने क्या रखा है ये कर्सर रखा है ये, या इसको सिलेक्ट कर लेंगे ये। इसके बाद थिसार्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएंगे, ये देखो ये ऑप्शन हमारे पास आ गई है। इसमें अब ये इसका पर्यायवाची जो है कौन सा है ये यहाँ पे हम ले सकते हैं कोई भी, जैसे ये कार यहाँ पे, तो इसको हमने इसकी जगह रखना है ये, तो हम क्या करेंगे कार यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, तो ये देखो कार ये आ जाएगा ये इसकी जगह। तो इस प्रकार हम इसको सेट कर सकते हैं ये थिसार्स को। इसके बाद है वर्ल्ड काउंट। तो ये क्या बताता है हमें कि हमारे पास कितने पेजेस हैं, वर्ल्ड काउंट कितने हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे आ गया ये वर्ल्ड काउंट, यहाँ पे पेजेस हमारे पास 3 है, ये वर्ड्स हमारे पास ये 17 है, करेक्टर नो स्पेस स्पेस नो स्पेस जो है हमारे पास करेक्टर वो है 76, और करेक्टर विद स्पेस तो ये हमारे पास 85, विद स्पेस इसका मतलब है यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, इसको मिला के हमारे पास है ये 85। इसके बाद पैराग्राफ हमारे पास 12, इसके बाद लाइंस 21। तो ये सारी ये डिटेल हमारे पास यहाँ पे शो कर देता है कि हमारे पास क्या क्या है ये। तो इस प्रकार वर्ड काउंट हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर थिसार्स वर्ड काउंट के बारे में जाना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।